बिहार बोर्ड ने ग्यारहवीं में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो भी छात्र इंटर एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे वो एडमिशन यहाँ पे करा सकते हैं पंजीयन शुल्क आपका तीन सौ रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो आपका तीन सौ रुपया लग रहा है लास्ट डेट जो है छब्बीस मई दो हज़ार तेईस रखा गया है तो जो भी छात्र बिहार बोर्ड से हैं या सी बी एस ई बोर्ड से हैं या आई सी एस सी बोर्ड से हैं अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इसके लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम में लगेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है वो छब्बीस मई तक हर हाल में भर देना है छब्बीस मई तक आपका नामांकन चलेगा तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे देखेंगे कैसे आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाएंगे और आपको फॉर्म फिलअप करके भी दिखाएंगे और कॉलेज लिस्ट जो है वो आपको कैसे चयन करना है सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको स्कूल कॉलेज का चॉइस भी देना होगा यानी आप कौन सा स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही फिल करना होगा बाद में इसका मौका आपको नहीं दिया जाएगा तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है, है। इसके अनुसार देख सकते हैं कि आपको 26 मई 2023 तक आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर देना है ये आपका लास्ट डेट यहाँ पे जारी किया गया है आप बिहार बोर्ड से हैं या सी बोर्ड से हैं या आई बोर्ड से हैं किसी बोर्ड से आपने दसवीं यानी कि मैट्रिक पास की है तो आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं विस्तृत जानकारी मैं आगे यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं ऑनलाइन फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं मेरिट लिस्ट कैसे आपका आएगा सब कुछ जानेंगे इसके लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको पहला पेज इस तरीके का खुलेगा ठीक है बिहार बोर्ड एलेवेंथ एडमिशन 2023 25 ऑनलाइन अप्लाई ठीक है तो नीचे की ओर जाएंगे यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं डेट की बात कर ले तो 17 मई 2023 से लेकर आप 26 मई 2023 तक अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं पी की बात करें तो 300 से साढ़े तीन सौ रुपया तक आपको यहाँ पे लग रहा है सुविधा केंद्र में तीन रुपया और ऑनलाइन करते हैं तो साढ़े तीन तक आपको खर्च यहाँ पर बैठेगा नोटिफिकेशन दिया गया आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की बात करें डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो हर हाल में आपको लेकर जाने है। यहां पे है तो हैं यहां पर देखेंगे तो ही आप इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म जो है उसको तो होना ही चाहिए जो कि आपका ऑनलाइन है उसके बाद मार्कशीट की बात की गई है तो अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो भी आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं बस जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा और जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं उनको सारी डिटेल फिल करनी होगी कितने मार्क्स आए हैं आपके ये सभी आपको फिल करना होगा तो मार्कशीट जो है वो नहीं लगेगा वो बाद में जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी जब कॉलेज जाना होगा तब आपको अपने स्कूल से मार्कशीट निकाल कर वहाँ पर जमा करना होगा उसके बाद देखेंगे विद्यार्थी का आधार कार्ड आधार कार्ड इसेंशियल है बिना आधार कार्ड के आपका एडमिशन नहीं होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जहां से आपने दसवीं उत्तीर्ण की है वहां से आपको स्कूल परित्याग प्रमाण पत्र ले लेना है वही आपको एस एल सी जहां एडमिशन होगा वहां जमा हो जाएगा वो आप निकाल नहीं सकते हैं। जब इंटर कर लेंगे तो फिर वहां से आपको एस एल सी मिलेगा इंटर पास का ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जाति जाति प्रमाण पत्र जो जो है वो आपका -सी, जो भी आप के हैं अगर जाति अंतर्गत छूट लेना चाहते हैं आगे छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र जरूर से लगाए उसके बाद अदर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं एडमिशन फी जो है वो आपका लगेगा क्योंकि ये रजिस्टर एडिशन फीस आए तीन है बाकी एडमिशन फी भी आपको अलग से देना होगा जो कि अलग अलग स्कूल का अलग अलग यहाँ पे होगा ठीक है एडमिशन की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक यही है आपका क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप एडमिशन यहाँ पे ले पाएंगे सत्रह मई दो से यह लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा और इसी पे आपको आकर एडमिशन लेना है सत्रह मई से लेकर छब्बीस मई तक उससे पहले आपको अपना कॉलेज लिस्ट भी चेक कर लेना है कि जो दो एडमिशन के लिए कॉलेज लिस्ट जारी किया गया है उसमें कौन कौन से कॉलेज हैं आपके जिले के तो यहां पे कॉलेज लिस्ट जो है सेकेंड नंबर पे उस पर आप क्लिक करके आप अपना कॉलेज लिस्ट अभी देख लीजिए कि कौन कौन से कॉलेज हैं आपके जिले में और कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन जो है वो आपको लेना अच्छा होगा चाहे गर्ल्स हैं या बॉयज हैं जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा नीचे की ओर जाएंगे और डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको कॉलेज लिस्ट डाउनलोड करने का उस लिंक से आप बिहार के सभी जिले के स्कूल या कॉलेज का लिस्ट देख सकते हैं कि कहाँ कितनी सीटें हैं और कहाँ आपका एडमिशन लेना अच्छा होगा जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉलेज लिस्ट का ऑफिशियल लिंक खुल जाएगा अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जैसे मैंने औरंगाबाद सेलेक्ट किया दो हजार का सेशन आपको यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर जितने स्कूल कॉलेज है सब कुछ यहाँ पर आपको दिखेंगे कौन कोएड है सब कुछ आपको दिख जाएगा तो यहाँ से आप अपना स्कूल कॉलेज का चयन मनपसंद स्कूल चयन कर लेंगे और जो आपका फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको 10 कॉलेज आपको चयन करना होगा उसमें आप 10 कॉलेज चयन करेंगे ठीक है तो बने रहें इस चैनल के साथ जो भी आपको अपडेट आएगी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी डेट याद रखेंगे 17 मई से लेकर 26 मई तक आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है वो आपको भरना होगा तो यहाँ पे कमेंट करके जरूर आप बता आप बताना कि किस बोर्ड के स्टूडेंट हैं ताकि 17 मई से जैसे ही आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू है सभी का आपका ऑनलाइन फॉर्म भर के आपको बताया जाएगा बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड कैसे आपको अलग अलग बोर्ड का फॉर्म जो है वो अलग अलग तरीके से भरना है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है तो टेलीग्राम ग्रुप भी जुड़ जाइएगा ताकि बिहार बोर्ड की कोई भी अपडेट आगे से आपको आपके पास टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल सके मिलते हैं नई वीडियो में वीडियो को शेयर